गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, JBDL सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिश्रली की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम इंग्लिश मीडियम क्लास फोर्थ के बुक EVS के चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चन आंसर्स को हल करेंगे। बच्चों, हमने पिछले वीडियो में इस पार्ट को अच्छे से पढ़ लिया था और हमने इसमें जो प्रोटेक्शन और केयर जो हमारा लास्ट वीडियो था इसका इस वर्ड का, उसमें प्रोटेक्शन और केयर के बारे में पढ़ा था कि हमको किस प्रकार से पेड़ पौधों की केयर करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, अब हम इसके एक्सरसाइज पर आते हैं। तो टेक्स्ट एक्सरसाइज में हमारा जो फर्स्ट है, लर्न अंडरस्टैंड अंडरस्टूड नाउ आंसर, पहले इनको पढ़ना है फिर उसको समझना और उसके फिर उत्तर देने हैं। पहला है ए वाला टेक्स्ट बुक क्वेश्चन। टेक्स्ट बुक क्वेश्चन से यहाँ पर दिया हुआ है, फर्स्ट है राइट टू मीन टू नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग, राइट टू नेम ईच फॉर द फॉलोइंग। हमको दो नाम लिखने हैं जो कि खाने के काम में आते हैं, जैसे रूट दैट वी ईट, जिसकी हम जड़ खा सकते हैं। तो कौन कौन से हैं बच्चों वो? तो बच्चों हमारा ये जो है क्या है, फर्स्ट वाला है हमारा रूट दैट वी ईट। तो फर्स्ट रूट है कैरेट, कैरेट लिख लेंगे। फिर इसके बाद हम क्या लिखेंगे, नेक्स्ट वाला हमारा कौन सा होगा बच्चों, रेडिश। क्या होगा, रेडिश कैरेट एंड रेडिश होगा। ठीक है बच्चों, फिर इसके बाद है हमारा क्या है, स्टेम। क्या है, स्टीम। स्टीम कौन कौन सी ऐसी जो चीज़ें हैं वो, स्टीम मतलब ऐसी कौन सा चीज़ है जिससे कि हम स्टीम खा सकते हैं। तो इटेबल स्टेम कौन कौन से हैं लिखिएगा उनमें। पहला है शुगर केन, शुगर केन। नेक्स्ट कौन सा है बच्चों, पटेटो। क्या है, पटेटो, पोटैटो हमारा। ठीक है, ये दोनों क्या काम करने में आते हैं, इसके स्टीम्स इनको खाने में काम आते हैं। अगले क्वेश्चन पर आएंगे बच्चों, यू हैव टू एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री टू योर फ्रेंड सो दैट योर फ्रेंड आल्सो कैन प्रिवेंट कटिंग ऑफ ट्री, फॉर दिस दैट मैसेज विल बी प्रोवाइड टू योर फ्रेंड राइट डाउन इन योर नोटबुक। देखो क्या है बच्चों, इसको ध्यान से पढ़िएगा आप। यू हैव टू एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री, आपको क्या करने हैं, आपको एक्सप्लेन करने हैं, मतलब कि आपको इसको विस्तार से बताना है कि किसके इम्पोर्टेंस, पेड़ों के इम्पोर्टेंस टू योर फ्रेंड, किसको बताने हैं, आपके दोस्त को बताने हैं, सो दैट योर फ्रेंड आल्सो कैन प्रिवेंट कटिंग। तो आपका जो दोस्त है वो भी क्या करेगा, आपकी मदद करेगा कि वह भी उसको बचाने में, आप पेड़ों को काटने से रोकने के लिए आपको मदद करेगा। फॉर दिस व्हाट मैसेज विल बी प्रोवाइड टू योर फ्रेंड राइट डाउन इन योर नोटबुक, तो आप क्या मैसेज लिखेंगे भी आपको अपने नोटबुक में लिखना है। ठीक है बच्चों, मैं आपको इसको लिख के बता देता हूँ। तो बच्चों आप लिखेंगे, प्लांट प्रोवाइड अस थिंग्स, ग्रेन पल्स फ्रूट वेजिटेबल्स शुगर फाइबर वुड एक्सेट्रा। क्या क्या प्रोवाइड करते हैं हमको, ग्रेन अनाज पल्स दालें, फ्रूट क्या होते हैं, फल, वेजिटेबल सब्जियां, शुगर शक्कर, फाइबर क्या होती है, ऊन या फिर जो हमको मिलते हैं। फिर उसके बाद है हमारा वुड यानी लकड़ियां, ये सब हमको कहाँ से मिलती है, पेड़ से प्राप्त होती है। फिर इसके बाद दे गिव अस फ्रेश एयर, ये हमको फ्रेश एयर भी देती है। चेक सॉयल इरोजन, ये क्या करती है, हमको जो इरोजन होता है उससे भी हमको बचाती है, किससे बचाती है, इरोजन से हमको बचाती है। कैसे बचाएगी, जो हवा चलती है जो पानी गिरता है वो क्या करती है, पेड़ क्या करते हैं, उस मिट्टी को पकड़ के रखते हैं, जिससे क्या होता है, इरोजन नहीं होता है, कटाव नहीं होता है। फिर इसके बाद है ब्रिंग रेनफॉल, और जो रेनफॉल बाढ़ वगैरह आती है ये भी इससे भी हमको बचाते हैं। प्रोवाइड शेल्टर टू एनिमल्स और बर्ड्स को, जो क्या करती है, इनको शेल्टर प्रदान करता है, छाया देता है। और हम भी अगर थक जाते हैं तो क्या करते हैं,
पेड़ के नीचे आराम से ठंडी छाया में बैठ जाते हैं। ठीक है बच्चों, इसको इस प्रकार से लिख लीजिएगा। अगर आपको लिखने में ना आए तो आप वीडियो रोक करके इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब अदर क्वेश्चन, आप क्या है अदर क्वेश्चन, अदर क्वेश्चन को करते हैं। ऑब्जर्व, हमको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। तो हमको थर्ड क्वेश्चन है, हैव ए लुक एट द गिवन फिगर एंड आइडेंटिफाई द ट्री इट इज। आपको एक चित्र देखना है, उस चित्र को देख करके बताना है कि ये पेड़ काय का है। क्या देखना है, चित्र देखना है आपको और बताना है कि ये पेड़ काहे का है। तो बच्चों ये पेड़ काहे का है आपको पता है, क्या ये बनियान ट्री है, नहीं ये बनियान ट्री नहीं है। क्या ये प्लास ट्री है, नहीं है। खेजरी ट्री, खेजरी ट्री है। सेमल नहीं है। तो कौन सा वाला ट्री है ये बच्चों, खेजरी ट्री, कौन सा वाला है, खेजरी ट्री। तो आप इसमें खेजरी ट्री लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब अगले पेज पर आते हैं, पेज नंबर 38 पे। सभी अपनी बुक का पेज नंबर 38 को खोल लेंगे। हमारा सी वाला है एक्सप्लेनेशन, हमको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। ठीक है बच्चों, तो चौथे क्वेश्चन में सबसे फर्स्ट है, हमको ये बताना है कि से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमको क्या करना है, ट्रू और फॉल्स बताना है। ठीक है बच्चों, तो हम इसको पढ़ते हैं कि बनियान इज अवर नेशनल ट्री। तो ये क्या है, बनियान बरगद का जो पेड़ है हमारा क्या नेशनल ट्री, राष्ट्रीय पेड़ है। तो ये क्या है, बिल्कुल ट्रू है। तो आप इस पर ट्रू लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, फिर इसके बाद है हमारा प्लांट्स आर हार्ड, दे आर नॉट अफेक्टेड बाय एनी डिजीज। तो ये क्या है, प्लांट्स आर हार्ड, प्लांट्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। तो क्या वे किसी भी बीमारी से अफेक्टेड मतलब प्रभावित नहीं होते हैं। तो क्या होता है, हाँ होते हैं, क्या होते हैं, अफेक्टेड होते हैं। तो ये क्या है, ये जो सेंटेंस है वो फॉल्स है, सेंटेंस फॉल्स है। ठीक है, अब इसको पढ़ेंगे हम। इन ऑल प्लांट्स फ्रूट और सीड्स आर इडेबल्स। जो इन ऑल प्लांट्स फ्रूट और सीड्स आर इडेबल, जो प्लांट्स होते हैं उस सबके फ्रूट और फल खाने योग्य होते हैं। तो हर एक के नहीं होते, हर एक के नहीं होते। तो ये कथन भी क्या है, गलत है। यह जो सेंटेंस है वो भी सही नहीं है। ठीक है बच्चों, फॉल्स आ जाएगा इसमें भी, इसमें आप सभी फॉल्स भर लेंगे। इसके बाद है, इन ग्राउंड द स्टीम इज वीक एंड इज नीडेड सपोर्ट टू क्लिम्ब इट इज। तो क्या है कि जो ग्राउंड्स होते हैं, जो बेल होती हैं, द स्टिक इज स्टीम इज वीक, उनका जो स्टीम होता है वो क्या होता है, कमज़ोर होता है। एंड नीडेड सपोर्ट टू क्लिम्ब, उनको ऊपर चढ़ने के लिए इसका सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो ये कथन क्या है, बिल्कुल सही है। तो इसमें भी ट्रू लिख लेंगे। फर्स्ट वाला ट्रू है हमारा, सेकंड वाला फॉल्स है, थर्ड वाला फॉल्स और फोर्थ वाला ट्रू है। ठीक है भाई, इसको इस प्रकार से हम भर लेंगे। आप सभी भी इसको अच्छे से भर लीजिएगा। फिर अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है, हमने इसको सोल्व कर लिया है। तो आज की वीडियो में बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 4 को हल कर लिया है। तो बाकी अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को अच्छे से हल करेंगे। तो आप सभी जो क्वेश्चन नंबर 4 तक है, जो उनको अच्छे से देख लेंगे और पढ़ लेंगे, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा बच्चों। ठीक है, और आपको जिसका होमवर्क है अपनी कॉपी में कर लेना है। ठीक है बच्चों, तो अब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।